वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आई एम रविका फ्राम मेस आई एम टी नकोदर बच्चे हम जो कर रहे थे अपने पी पी एम का टॉपिक वो था हमारे फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज यूजल आपने ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपने पढ़े नहीं है ठीक है तो हम कल कर रहे थे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा कमांड का मतलब है जहाँ पे एक सुपीरियर होगा और वही जो है अपने सुबॉर्डिनेट्स के लिए अकाउंटेबल होगा अब हमने करना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये जो एक तरह का रूल है जो कि क्या कहता है कि हर एक मेंबर को जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ठीक है उसके एफर्ट्स के साथ ताकि वो जो है अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को ले सके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है ये आपको बताता है कि आपने कौन से एक्शंस करने हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है आपको फोकस जो है एफर्ट्स के ऊपर कहाँ पे करने की ज़रूरत है ये जो कंसिड्रेशन है प्रिंसिपल्स की या हर एक ग्रुप की इसमें क्या होता है हमने प्लान या सुपरवाइज जो है वो हमारे को किया जाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ले सकें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब जहाँ पर हमें जो है एक डायरेक्शन दी जाती है कि हमें कैसे काम करना है इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं अगर से मान लो हमारे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमारा एक हेड होता है जो कि हमें गाइड करता है या कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को ठीक है उस ग्रुप की ताकि हम जो क्वालिटी या क्वांटिटी प्रोडक्ट की चाहते हैं वो बना सकें अगरचे वहाँ पे सिमिलैरिटी है यूनिफॉर्मिटी है एक जैसे एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं या डायरेक्शन जो है एक्टिविटीज़ की दी जा रही है तो ही हम क्या कर सकते हैं अपने ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं नेक्स्ट जो है सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारा सबॉर्डिनेट है सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है ऐसा पर्सन जो कि हमारे अंडर वर्क कर रहा है ठीक है और उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या है यानी कि वो वही काम करना चाहता है जो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है या जिसमें जो है बाकी सारे एग्री करते हैं आप बोलते हैं जो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो उसमें जो है हाई प्रायोरिटी जो है वो इंडिविजुअल को छोड़ के अपनी कंपनी को दी जाती है तो हर एक एम्प्लॉय के पास एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है जो कि उसे मोटिवेट करता है कि वो काम करें ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकिन अगर जो ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ नहीं मैच खाता किसी भी सरकमस्टानसेस में तो फ्यूल क्या कहते हैं मैनेजमेंट को ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जहाँ पे उनका इंटरेस्ट यानी कि जो हमारा वर्कर काम कर रहा है और जो हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए लेकिन किसी केस में हमारा कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाता है जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है ठीक है ऑब्वियसली देखो अगर जे आप किसी कंपनी में वर्क करते हो ठीक है तो आपको उस कंपनी के रूल्स नहीं पसंद उस कंपनी के रेगुलेशंस नहीं पसंद या उसका वे ऑफ वर्किंग नहीं पसंद है तो ये जो है आपको मिलजुल कर काम करने में हेल्प नहीं करेगा इंस्टेड ऑफ आप में लड़ाई झगड़े ठीक है लेग पुलिंग या आपको जो है एक नीचा दिखाने का काम जो है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप अपने इंटरेस्ट पे आप अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क पे जो है उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे ठीक है नेक्स्ट है रेमोनरेशन रेमोनरेशन क्या होता है रेमोनरेशन होता है हम सैलरीज जो किसी वर्कर को देते हैं उसके वर्क के लिए इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं रेमोनरेशन यानी कि हम जिस काम के लिए वक करते, करते हैं हम काम क्यों करते हैं ताकि हमें पैसे मिलें ये जो पैसे हैं ये हमारी क्या हो जाती है रेमोनरेशन हम इसे सैलरी वेजेस जो हैं वो भी कह सकते हैं या हमारा जो ये एक तरह से हम बोलते हैं ना हमारा हक है हम काम क्यों करते हैं ताकि हम पैसा कमा पाए ठीक है अब बोलते हर एक एम्प्लॉय जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक फेयर यानी कि जितना उसने काम किया उसके मुकाबले और रीजनेबल जितना सही है उतना ही उसे पैसा जो है वो देना चाहिए अब बोलते जो हमारा वेजी वेज का स्ट्रक्चर होता है एम्प्लॉयज में वो बेस्ड होना चाहिए उनको हमने क्या जॉब जो है वो दी है या कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है कि हमें जिंदा रहने के लिए कितना पैसा जो है वो जरूरी है जैसे मान लो अगर ये आज का टाइम है आज के टाइम में तो थर्टी थाउजेंड भी एस सच कुछ खास वैल्यू नहीं रखते लेकिन अगर जो मैं किसी एम्प्लॉय को जो है दो हज़ार या चार हजार दे रही हूँ ठीक है उसके वर्क के लिए तो क्या किया जायज है नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि जो हमारी अगर हम महंगाई देखते हैं तो महंगाई के अकॉर्डिंग जो है उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है क्योंकि आजकल खर्चे जितने जितने ज्यादा है या महंगाई जितनी है उसमें आप 2000 से अपना सर्वाइवल जो है या कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ये तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो कि आप नहीं निकाल सकते बाकी के एक्सपेंसेस तो बाद में है ठीक है तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये हमारी क्या है जैनुअन नहीं है तो एवरेज वेज रेट को हमें फॉलो करना चाहिए कि कम से कम हम हमें उन्हें छह या सात हजार तो देने चाहिए यानी कि ये क्या है ये हमने रेट बना लिया एवरेज रेट कि यहाँ पे जो बंदा काम करेगा उसे कम से कम छह या सात हजार तो मिलेगा स्टार्टिंग से ठीक है तो इसमें हमें जो है वेज रेट को फॉलो करना है इंडस्ट्रीज में और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हमारी कंपनी की वो देखनी है और अगर से हम जर्नल में बात करते हैं तो बेसिक पे जो है वो फिक्स्ड होती हैं और इसमें वर्क डन हम जो है वो करते हैं इसमें अलाउंसिस जो है, होते हैं वो लाइबल होते हैं ताकि जो है हम चेंज कर सकें या ऑल्टर कर सकें अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन क्या होती है ठीक है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है तो बोलते जो ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आपकी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ कुछ हाथों में है इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं सेंट्रलाइजेशन वन अथॉरिटी इज इन फ्यू हैंड्स ठीक है अब बोलते हैं ये जो है सेंट्रलाइजेशन ये ज़रूरी क्यों होती है समटाइम जो हमारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ये किसके हाथ में होती है टॉप मैनेजमेंट के जिसे हम क्या बोल देते हैं सेंट्रलाइजेशन यानी कि अगर आपने कंपनी में कोई काम करना है तो बिना टॉप मैनेजमेंट के आप वो चीज़ को अप्रूव नहीं कर सकते इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं सेंट्रलाइजेशन की अगर जो पीछे से ऑर्डर्स आएंगे तो ही वो काम होगा अदरवाइज वो नहीं होगा अब होती अगर जो हम अथॉरिटी को शेयर करते हैं किसके साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ तो ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे आपने क्या किया जो आपसे मान लो टॉप मैनेजमेंट है ठीक है उसने क्या किया जो हमारा मैनेजर था उसे क्या किया एक अथॉरिटी दे दी कि आपने ये काम करना है तो अगर जो उसके पास अथॉरिटी है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी जो है वो दोनों दे रहा है तो ये क्या हो जाता है सेंट्रलाइज कि जब अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ना रह के हर किसी के पास जो है वो आ जाती है या जिस पर्सन को असाइन किया है ठीक है तो ये जो है फेयोल यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर बैलेंस जो है वो एक सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइजेशन जो है अथॉरिटीज़ में होना चाहिए जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो एग्ज़िस्ट करती है क्योंकि उसमें अगर जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हैं तो आप वहाँ पे ईज़ली जो है सुपरवाइज़ कर सकते हो ईज़ली जो है चीज़ों को देख सकते हो सुन सकते हो समझ सकते हो और आपका जो डिसीजन होता है वो एज़ कम्पेयर टू क्विक हो जाता है लार्ज कंपनीज में दूसरे हाथ अगर जो हम देखते हैं जो हमारी बिग कंपनीज़ होती हैं तो वहाँ पे जो होता है हर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके काम के लिए क्यों क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप टॉप मैनेजमेंट से जा जा के छोटे छोटे डिसीजंस के लिए पूछो ठीक है तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है हम क्या करते हैं सेंट्रलाइजेशन या हम डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होगा और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हैं वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हमारी मैनेजमेंट के हाथ में ही रहेंगे उसके अलावा जो छोटे छोटे डिसीजनस होते हैं उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं पर्सनस के अकॉर्डिंग या जो हमारा हेड होता है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो काम करवा के हमें देगा नेक्स्ट है सेकुलर चेंज सेकुलर चेंज जो है वो क्या होती हैं अब आपने ये नाम जो है वो सुना नहीं होगा कि स्कैलर चेंज जो है वो क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर या सबॉर्डिनेट का जो एक रिलेशन है वो होता है या एक अथॉरिटी होती है जो हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक को डिफाइन करती है उस चीज को हम क्या बोल देते हैं सेकुलर चेंज अब ये जो सारे के सारे मैनेजर होते हैं ये लिंक करते हैं एक चेन में और ये जो चेन है फ्रॉम वो क्या होती है हाईएस्ट से लोएस्ट तक जो है वो जाती है और हर एक मैनेजर जो है वो सुपीरियर होता है दूसरे मैनेजर से क्योंकि वो जो है उसके नीचे काम कर रहा है लेकिन ये जो है ये सबॉर्डिनेट जो है वो या सुपीरियर जो है वो खुद को समझता है वो समटाइम खुद ही सबॉर्डिनेट होता है और समटाइम्स वो खुद ही सुपीरियर होता है तो ये जो है एक तरह की चेन ऑफ अथॉरिटी होती है इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्टेंस चेन ऑफ अथॉरिटी जो है वो जाती है या बॉटम से ठीक है टॉप टू बॉटम और इसमें जो है हम लिंक करते हैं सारे के सारे मैनेजर्स को स्केलर चेन जो है ये चेन ऑफ कमांड या कम्युनिकेशन भी हम इसे कहते हैं अब इसमें जो है चेन ऑफ कमांड या ऑर्डर्स जो हैं अब जो स्कीलर चेन है उसमें जो है हम वो एक कमांड और एक कम्युनिकेशन की तरह जो है वो क्या करती है एक्ट करती है और इसमें जो है हायर लेवल जो है वो फ्लो करता है लोअर लेवल से मान लो आप जो है एक कम्युनिकेशन करना है चाहे आप रिटर्न कर रहे हो चाहे आप ऑरल कर रहे हो ठीक है तो आपको ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा एग्जाम्पल है अगर जो कोई सुपीरियर है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देनी है और सुपरवाइजर जो है उसे ये जो है अपने हेड को जो सुपरवाइजर का हेड है उसको देनी पड़ेगी जो पास करेगा उसको डिपार्टमेंट को और इसमें जो है बहुत एक लंबा वक्त जो है वो क्या हो जाता है लग जाता है पहले जैसे मान लो नीचे से ऊपर जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारी टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजन बनाती है वो क्या करती है प्रिंसिपल्स को देती है ठीक है प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं टीचर्स को देते हैं टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स को देते हैं ठीक है मान लो केस प्रिंसिपल बताना भूल गया तो वो जो कम्युनिकेशन है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो गया और मान लो अगर जो कोई लोअर लेवल से कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आई वो टीचर को बताएंगे टीचर जो, जो है वो किसको बताएंगे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल्स जो है वो किसको बताएंगे डायरेक्टर्स को डायरेक्टर जो है वो किसको बताएंगे टॉप मैनेजमेंट तो ये जो हमारा एक प्रोसेस है ये अगर जो कहीं पे भी कोई भूल जाता है तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इंटरप्ट हो जाता है ख़त्म हो जाता है और उसकी जो है उतनी वैल्यू नहीं रहती तो ये जो चीज़ है ये जो है हमें देखनी पड़ती है क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और यही इसकी जो है लिमिटेशन है और इसमें जो है बाइस मैसेज यानी कि देखो जब आपने नीचे से कुछ कहा तो पर्सन के थ्रू वो जो मैसेज है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है आपने अपनी तरफ से कुछ कहा अगले ने कुछ बोल दिया थर्ड पर्सन ने कुछ बोल दिया फोर्थ ने कुछ बोल दिया तो आपका जो एक मैसेज है वो क्या होता है पूरी तरह चेंज हो जाता है तो इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हमें जो है एक स्मूथ और फास्ट कम्युनिकेशन या एक्शन जो है वो चाहिए होता है नेक्स्ट जो है वो क्या है ऑर्डर ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है पीपल्स का या थिंग्स का राइट जगह पे और हमें जो है फिक्स्ड प्लेस जो है वो हर एक चीज़ के लिए चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है और सेम वे में अगर ये राइट पर्सन जो है वो राइट प्लेस पे है तो ऑर्डर जो है वो डिमांड करेगा या डिटेल नॉलेज जो या रिक्वायरमेंट जो होगी हमारे रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंटेन रहेगी और उसमें एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो रहेगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये क्या होती हैं ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है क्योंकि वहाँ पे ये जो टास्क होते हैं इनमें एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एग्जांपल आप पांच लोगों को संभाल सकते हो ठीक है एक टाइम में लेकिन आप पचास लोगों को संभाल नहीं सकते तो क्या है ये एक बड़ा टास्क हो जाता है और ऑर्डर में हम उस चीज को नहीं रख पाते ऑर्डर का मतलब है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस तो ये जो चीज है ये समाइम हमें एक तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है नेक्स्ट है इक्विटी इस प्रिंसिपल के अंदर हर एक पर्सन जो है सेम पोजीशंस का उसे जो है हमने क्या करना है इक्वली ट्रीट करना है अगर ये वर्कर्स जो, जो हैं वो कैरी आउट कर रहे हैं सेम जॉब तो उन्हें इक्वली पे करना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यानी कि और ये जो है हमें ये सजेस्ट करता है कि सुपीरियर को हमेशा जो है फेयर या अनबाइस्ड होना चाहिए अनबाइस्ड का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा सैलरी दे दी है दूसरे को कम दी है ठीक है तो हर एक सबॉर्डिनेट को जो है इस चीज़ का या सुपीरियर को जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके सबॉर्डिनेट के साथ कोई भी अनफेयर या अनबाइसनेस ना हो ठीक है और ये जो है फेवर जो है ये एक तरह का ओवर लुक होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का मान लो अगर अगरचे मैं किसी कंपनी में इम्प्लॉय हूँ या वर्कर हूँ ठीक है मुझे वहाँ पे एक टाइम पीरियड हो गया बहुत ज़्यादा ठीक है मेरी जो सैलरी है वो क्या है मान लो समिफ़्टीन थाउजेंड है ठीक है अगर जो कोई पर्सन जो है वो न्यूली आता है ठीक है उसकी जो है सिक्सटीन थाउजेंड है तो वो जो पुराना पर्सन है वो इस चीज़ को क्या करेगा वो तो ये सोचेगा ना कि हाँ ये भाई जो नए आ रहे हैं उनको ज्यादा दे रहे हैं और हम जो इतनी देर से लगे हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं ठीक है तो ये जो है ये क्या करता है ये इक्विटी को रिप्रेजेंट नहीं करता तो वो क्या बोलेगा जो नया पर्सन आ रहा है वही काम कर ले मैं क्यों करूं ठीक है तो ये जो चीज़ है कि वो जो नया पर्सन या जो हमारे पास पुराना पर्सन है उन दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन जो है वो अराइज़ हो जाता है तो पर्सन जो हैं वो क्या करते हैं उस कॉम्पिटिशन को खत्म करने के बजाय कि ठीक है मैं क्यों करूँ ये मेरा काम नहीं है या उसे ज़्यादा पे करती है तो ये जो है लड़ाई झगड़े या एक तरह का मन जो है वो क्या होता है हमारे पर्सनस के बीच में जो है वो आ जाता है और ये जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिव या स्मूथ रनिंग में एक तरह का हर्डल जो है वो प्रूफ हो जाता है तो हमें जो है जो हमारे सुपीरियर्स हैं या जो हमारे सबॉर्डिनेट्स आ रहे हैं जो हमारे सुपीरियर्स हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो है या जो उनका एम्प्लॉय है उन्हें एक इक्विटेबल या उन्हें एक जैसा जो है वो ट्रीट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ़ कि उनमें एक डिफरेंस क्रिएट करने की बजाय उन डिफरेंसेस को कम करना चाहिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही ये फोर्टीन प्रिंसिपल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो थैंक यू क्लास